हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिखा, हाजिर हूँ मैं आप लोग के पास एक नई वीडियो लेके। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बॉडी पॉलिशिंग करके दिखाऊंगी अपने फेस पर और अपने हैंड पर, जिससे आप लाइव रिजल्ट देख पाएंगे। और ये बॉडी पॉलिशिंग आपको बार बार नहीं करनी है, और इसका रिजल्ट जो है वो, इसका ग्लो जो है वो 15 दिनों तक रह रहा है। सही सुन रहे हैं आप, 15 दिनों तक। सो जो आप क्रीम लेके आते हैं मार्केट से, या आप घर पे बॉडी पॉलिशिंग करते हैं जिन चीज़ों से, उसका ग्लो जो है 2 या 3 दिनों तक मिनिमम रहता है, लेकिन इसका ग्लो 15 दिनों तक रहता है। और आपको मैं बताऊंगी बहुत ही मिनिमम चीज़ों से और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों से बॉडी पॉलिशिंग करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले आपको करना है एक काम, आपको करना है लाइक मेरा वीडियो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है सब्सक्राइब। बॉडी पॉलिशिंग करने के लिए आपको लेना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, सबके किचन में बेकिंग सोडा होता है। आपको लेना है ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। आप वर्जिन ले सकते हैं या आप नॉर्मल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और आपको इस बेकिंग सोडा में ये ऑयल, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड करना है और कर लेना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाए। आपको इसका पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा रखना है, ठीक है। अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे लगा के आपको दिखाऊंगी। आप मैं इसे लूंगी और अपने फेस पर नॉर्मली स्क्रब करूंगी। आप इससे अपने फोरहेड के सेंटर को कवर करेंगे और अपनी नोज के पास। मैं ऑलमोस्ट इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे स्क्रब करूंगी। आपकी ड्राई स्किन है तभी आप इसे 5 से 7 मिनट तक रखें, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे तुरंत वॉश ऑफ कर दें। इसे लगाने के बाद आप लगाएं और तुरंत वॉश ऑफ कर दें, आप इसे स्क्रब ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस फॉर्मूला को अपने फेस पे स्क्रब कर लिया है। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक रखूंगी और मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे अपने हैंड पे भी अप्लाई कर लूंगी। आप इसे जेंटली स्क्रब करें। आप इससे, ये फॉर्मूला आपको इंस्टेंट ग्लो देता है। आप इससे पूरी बॉडी पे भी पॉलिशिंग कर सकते हैं, आप अंडरआर्म्स पे कर सकते हैं, उससे आपके अंडरआर्म्स का कालापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप नोज के पास कर सकते हैं, आप नेक पे कर सकते हैं, आप पैरों पे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट हो चुका है। अब मैं अपने फेस को और अपने हाथ को अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर लूँगी। आप देख रहे हैं मैंने अपनी स्किन को अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर लिया है। अब मैं इसे सुखा लूँगी, एक टिश्यू पेपर से साफ कर लूँगी। मेरी स्किन से पानी बिल्कुल निकाल दिया है। अब मैं लूंगी अपना फेवरेट एलोवेरा जेल और इसे निकालूंगी और अपनी स्किन पे जेंटली लगा लूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी ड्राई स्किन है तभी आप इसे 5 से 7 मिनट रखें, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे तुरंत वॉश ऑफ कर दें, क्योंकि डर रहता है कि आपको कहीं एक्ने ना हो जाए, पिंपल ना हो जाए ऑयल की वजह से। जैसा कि आपको खुद ही ग्लो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये इंस्टेंट असर करता है और 15 दिनों तक इसका असर कहीं नहीं जाता है। आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है 15 डेज तक इसकी वजह से। और इसे आप महीने में सिर्फ एक बार लगाएं। अगर आपका मैरिज होने वाला है या आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप इसे महीने में, मंथ में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है इसे।